हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर फिट एंड फाइन। जैसा कि बेटा हम कैलोरीमेट्री, लेटेंट हीट, स्पेसिफिक हीट के बारे में डिस्कस किया था हमने लास्ट दो लेक्चर्स के अंदर, आज बेटा हम उसी टॉपिक के ऊपर जो हमारे पास जेई एडवांस में कुछ न्यूमेरिकल्स पूछे गए हैं उन न्यूमेरिकल को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बेटा जो हमारे पास बहुत ही सिंपल है, बहुत ही बेसिक लेवल के एग्जाम्पल है, वो हम यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं। वो डिस्कस कर रहे हैं जो लास्ट ईयर जेई एडवांस में मीन्स थोड़ा सा हाई स्टैंडर्ड के क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे गए हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो पहला क्वेश्चन ये है कि 100, एक बार बेटा लिख देते हैं, 100 ग्राम आइस है, 100 ग्राम आइस 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर मिक्स कर दिया, या इसको हमने प्लेस कर दिया, इज प्लेस्ड इन किसके अंदर, 200 ग्राम वाटर, 200 ग्राम वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इनको जब मिक्स किया या इस कंटेंट को हमने इसके अंदर प्लेस किया, तो हमने क्या देखा कि जो हमारा मिक्सचर है, अमाउंट ऑफ आइस, आइस दैट विल मेल्ट एज द टेम्परेचर ऑफ वाटर रीच टू 0 डिग्री सेल्सियस। तो बेटा हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन देखो क्या है, 100 ग्राम आइस 0 डिग्री सेल्सियस पर, उसको हमने 200 ग्राम वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस के अंदर डाल दिया, तो जो हमें मिला अमाउंट ऑफ आइस दैट विल मेल्ट एज द टेम्परेचर मीन्स जब इस कंप्लीट का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो जो आइस है कितना आइस मेल्ट हो गया, ये हम कहते हैं कितना आइस हमारे पास बच गया, वो हमें देखना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, अमाउंट ऑफ आइस दैट विल मेल्ट, कितना अमाउंट है आइस का जो मेल्ट हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बेसिक की बात करें तो हमने कैलोरीमेट्री का प्रिंसिपल में पढ़ा था, हीट गिवन विल बी इक्वल टू हीट टेकन, हीट गेन इक्वल टू हीट लॉस। तो सबसे पहले देखो हमें वाटर का टेम्परेचर क्या करना है, 0 डिग्री सेल्सियस, मींस अगर हम इसके ये देखें तो ये हमें कितना हीट प्रोवाइड कर सकता है, मींस अगर ये हमारे पास 200 ग्राम वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पर आए तो कितना हीट रिलीज करेगा, बेटा कितना हीट रिलीज करेगा, डेल्टा क्यू, किस फॉर्मुलेशन में हम निकालते हैं, एम एस डेल्टा टी, एम एस डेल्टा टी से निकालें तो हमारे पास मास कितना है, 200 ग्राम एस, स्पेसिफिक हीट आइस की 1 होती है, टेम्परेचर 25 का चेंज करना है, 25 से 0 तक लेकर आए, कितनी कैलोरी हीट प्रोड्यूस हुई, 5000 कैलोरी हीट प्रोड्यूस कर सकता है। मींस अगर ये वाटर, देखो हमें देखना है कि जो एट लास्ट वाटर क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस, मींस अगर हम इसको 0 पर ले दिए कितना हीट प्रोड्यूस करेगा, इतना हीट प्रोड्यूस करेगा। अब ये देखो आइस है हमारे पास, आइस अगर कंप्लीट कन्वर्ट हो जाए, आइस है 100 का 100 ग्राम वाटर में कन्वर्ट हो जाए 0 डिग्री सेल्सियस, तो कितना हीट चाहिए, एम एल एफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, एम कितना है 100 ग्राम, लेटेंट हीट आइस के लिए कितना होता है 80, 8000 कैलोरी, मींस 8000 कैलोरी हमारे पास है, 8000 कैलोरी अगर हमारे पास है तो 100 ग्राम आइस मेल्ट हो जाएगी। अब एक कैलोरी है तो कितना, 100 बाई 8000, और हमारे पास कैलोरी है कितना, 5000, तो 5000 कैलोरी है तो कितना आइस मेल्ट होगा बेटा, 5000, 30 से 30 काट दो, 4 × 25 = 125/2 means near about 62 ग्राम। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 62 ग्राम, मींस हमें क्या मिलेगा, अमाउंट ऑफ आइस दैट विल मेल्ट नियर अबाउट 62 ग्राम। तो ये था बेटा क्वेश्चन, सिर्फ आपको बेसिक स्ट्रॉन्ग करने हैं, जो हमने दो लेक्चर में पढ़ा बेटा वो सफिशियंट है, उसके बाद आपको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना है, क्योंकि अभी हम देखेंगे नेक्स्ट टाइप के न्यूमेरिकल, कंसेप्ट वही है लेकिन थोड़ा सा एडवांस लेवल पे, मींस आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए उस तरीके से पूछे जाते हैं जेई के अंदर।
नीट के अंदर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बेटा ये बात मन में बैठा लो, जितने ज्यादा न्यूमेरिकल हम ट्राई करेंगे उतना हमारा बेनिफिट है, क्योंकि अभी आप देखने वाले हो किस किस टाइप के न्यूमेरिकल आपके सामने पहले से भी आए हुए हैं और आगे भी आएंगे। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारा क्या कह रहा है, एम ग्राम स्टीम है। इस बार क्या है, एम ग्राम स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। ये मिक्स्ड विद, हमने इसको मिक्स कर दिया किसके साथ, या सिंपल कह दो प्लस ऐड कर दिया, 200 ग्राम वाटर, 200 ग्राम आइस एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। तो बेटा ये तो आपको क्लियर होगा, आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस। ये भी आपको ही सोचना है। फिर ये कह रहा है जो हमें मिला वो हमें मिला लिक्विड वाटर, वाटर मिला एट 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि हमने कितना ग्राम स्टीम मिलाया होगा, एम की वैल्यू आपको निकालनी है इस क्वेश्चन में। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, सोचो एक बार कि हम कैसे कर सकते हैं। स्टीम 100 डिग्री सेल्सियस पे एम ग्राम इसके अंदर मिलाएं तो ये कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाएगा वाटर के अंदर एट 40 डिग्री सेल्सियस। तो कितना मास, कितने ग्राम ये हमारे पास स्टीम होना चाहिए, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, सबसे पहला काम क्या हो सकता है, हीट कौन देगा, ये हीट देगा। कितना हीट प्रोवाइड कर सकता है ये, मान लो एम ग्राम स्टीम है वो वाटर में आ जाए 100 डिग्री सेल्सियस, मींस स्टेट चेंज होगी। यहां से यहां हम जाएं तो हमें हीट देनी पड़ती है, अब यहां से यहां हम देखें तो ये हीट बाहर निकालेगा, हीट रिलीज करेगा, कितना मास एम ग्राम। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन का कितनी वैल्यू थी, 540, मींस इस प्रोसेस में 540 एम कैलोरी हीट रिलीज होगी। इसके बाद अगर हम देखें, अगर हम इस एम ग्राम वाटर को एक बार 0 डिग्री सेल्सियस पर ले आते हैं, कहां ले आते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस में, 0 डिग्री सेल्सियस पर ले आए तो यहां से यहां जाते तो हमें हीट देना पड़ता, वापिस आ रहे हैं तो हीट लेंगे, हीट रिलीज होगी। कितना हीट रिलीज होगी, मास कितना है एम, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 1, तो ये क्या आ जाएगा बेटा एम इंटू 100, तो प्लस 100 एम, इतना हीट रिलीज हो गया, इतना हीट रिलीज हुआ। और अब हमारे पास ये नहीं है, क्या है, एम ग्राम वाटर है 0 डिग्री सेल्सियस पे। अब इन दोनों को करें तो हमें क्या मिलेगा, क्लियर। अब एक चीज देखो, इतना तो हमारे पास हीट है, अब ये हीट यूज कहां होगा, देखो हीट यूज कहां होगा, पहला हीट यूज होगा 200 ग्राम आइस को मेल्ट करने में, 0 डिग्री सेल्सियस पर है, 0 डिग्री सेल्सियस से अब ये वाटर में कन्वर्ट होगा, वाटर में कन्वर्ट होगा तो कितना हीट चाहिए, 200 ग्राम इंटू में कितना हीट, मास 200 ग्राम, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन 80, तुम्हारे पास क्या आ गया 16000 हीट यूज होगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या हो गया बेटा, एम ग्राम और 200 ग्राम, 200 प्लस एम ग्राम हो गया वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पर। अब इस वाटर को हमें कहां लेकर जाना है, 40 तक, तो कितना हीट लगेगा, 200 प्लस एम, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 1 इंटू में टेम्परेचर का चेंज 40, तो इक्वल कर दो, ये हमारे पास बन गया। ये क्या है, हीट जो वाटर ने बाहर निकाली है ये, और उस हीट का यूज कहां हुआ है, वो यहां यूज हुआ है। अब यहां से हम एम की वैल्यू निकाल देंगे, 540 एम विल बी इक्वल टू 8000 प्लस एम इंटू 40 एम प्लस 16000, 4 का करो पहले, तो 4 10 10 10, ठीक है, 4 को इस साइड ले आए 60 एम
800 और 1600 2600 6 से 6 तो m की वैल्यू क्या आ गई 40 ग्राम। तो हमें ये m कितना लेना है 40 ग्राम। तो ये क्वेश्चन है तो बेटा एक बार फिर देखो, मैं ये नहीं कह रहा सिंपल क्वेश्चन आएंगे, दिमाग आपको लगाना है। आप इस टाइप के न्यूमेरिकल सोल्व करोगे तभी जाके आपके लिए आसान हो पाएगा नीट चाहिए। नीट में इतने टिपिकल या इतना मैथमेटिकल से फिजिक्स नहीं आएगी, उसमें डायरेक्ट एक दो लाइन में सोल्व हो जाएगा। लेकिन जेई के अंदर बेटा इसी टाइप से आएगा, ठीक है, था वही जो हमने पढ़ा हुआ है। आपको ये देखना है कि हीट कौन दे सकता है, हीट कौन ले सकता है, वो आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एम ग्राम आइस है, एक बार रख देते हैं इसके बाद माइक्रोफोन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, M1 ग्राम आइस है, कितने ग्राम M1 ग्राम आइस है बेटा 10 डिग्री सेल्सियस पर, उसके अंदर हमने मिला दिया M2 ग्राम वाटर 50 डिग्री सेल्सियस पर, उसमें हमें मिला क्या फाइनली, जो हमें फाइनल मिक्स करने के बाद मिला, नो आइस इज लेफ्ट एंड वाटर है वो है एट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो हमें ये बताना है लेटेंट हीट ऑफ आइस, लेटेंट हीट ऑफ आइस M2 और M1 की टर्म्स में। ये बेटा हमारे पास चार ऑप्शन थे, वो M2 और M1 की टर्म्स में थे। तो इसको देखो, लॉजिक वही यूज होगा, कंसेप्ट वही यूज होगा। देखो सबसे पहले M1 ग्राम आइस M2 ग्राम वाटर, फाइनली ये बन जाएगा। तो सबसे पहले ये देखो हीट कौन देगा, ये तो हीट देगा नहीं, हीट कौन देगा वाटर 50 डिग्री सेल्सियस। तो हम इस वाटर से कितना हीट एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, हीट एक्सट्रैक्टेड या हीट रिलीज्ड, हीट एक्सट्रैक्ट करेगा तो कितना करेगा M2। स्पेसिफिक हीट क्या होता है, वाटर का 1 होता है, इनटू में टेम्परेचर में कहां से कहां 50 से 0 पर आएगा, तो 50 M2 हीट ये हमारे पास रिलीज करेगा, ठीक है। 50 M2 हीट रिलीज हुआ, अब उससे हुआ क्या वो देखो क्या होगा, M1 ग्राम आइस है 10 डिग्री, पहले ये बेटा मेल्ट होगा, तो ये मेल्ट होगा कहां M1 ग्राम सॉरी आइस मेल्ट नहीं होगा, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पर आएगा, ठीक है। मतलब ये हीट, ये तो वाटर, अब इतना हीट निकाल लिया तो हमारे पास क्या बन गया M2 ग्राम वाटर 0 डिग्री सेल्सियस और फाइनल भी क्या है 0, मींस इतने इतना हीट दे दिया, इसने हीट इतना निकाल दिया। अब उस हीट का यूज कहां हो रहा है, M1 ग्राम आइस है वो 10 से पहले 0 पर आएगी, तो 0 पर आएगी मींस टेम्परेचर चेंज है, टेम्परेचर चेंज है तो स्पेसिफिक हीट, तो कितना एनर्जी यूज होगा M1 वाटर का, वो आइस का जो स्पेसिफिक हीट है 0.5 इंटू में टेम्परेचर में चेंज 10, तो 10 × 5 ये आ गया 5 M1, मतलब 5 M1 यूज हो गया आइस को 0 डिग्री 10 से 0 के मिलाने के लिए, इतना हीट यूज हो गया। अब जो हीट बच गया वो हीट कहां जाएगा बेटा, वो हीट इस आइस को वाटर में कन्वर्ट करेगा, वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो वो देखो, अब इस आइस से अगर मैं वाटर बनाऊं M1 ग्राम वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, तो क्या होगा स्टेट चेंज होगी, और स्टेट चेंज होगी मास कितना है M1, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन LF ये लगेगा, तो लगा दो क्या आएगा हमारे पास M1 LF, तो LF की वैल्यू निकालनी है, हमें क्या निकालना है लेटेंट हीट ऑफ आइस LF, तो 50 M2 माइनस 5 M1 इज इक्वल टू M1 LF, LF की बात करें तो 50 M2 बाय में M1 माइनस 5,
एमोजेमिन करता है। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। एक बार फिर आपने देखा फॉर्मूला मेथड वही है सेम, लेकिन उसको हम इंप्लीमेंट कैसे कर रहे हैं वो हमें माइंड यूज करना है, ठीक है, कोई और नहीं आएगा बेटा। कंसेप्ट वही है, कितनी बार कह लो कितनी बार सुन लो चाहे, कंसेप्ट वही है जो हमने लास्ट के दो लेक्चर में पढ़ा है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। कैलोरीमेट्री के जो हीट एक्सचेंज वाले हैं, ठीक है, उससे अलग जो है वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में, कंडक्शन कन्वेक्शन रेडिएशन, ठीक है। अब इसके ऊपर कुछ नहीं भाई और है वो देखना। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, आइस है, आइस है बेटा हमारे पास, सॉरी बुरा हाल हो गया, आइस -20 डिग्री सेल्सियस, और इसमें हमने क्या मिला दिया 50 ग्राम वाटर, कहां पर 40 डिग्री सेल्सियस पर, ये हमने मिक्स कर दिया। और जब वैन टेम्परेचर ऑफ मिक्सर रीच 0 डिग्री सेल्सियस, 20 ग्राम आइस इज अनमेल्टेड। हमें यह देखना है कि कितने ग्राम हमने आइस यूज किया था, ठीक है। तो क्वेश्चन बेटा क्या कह रहा है कि आइस था हमारे पास m ग्राम, कितना टेम्परेचर -20 डिग्री सेल्सियस। तो लास्ट वाले क्वेश्चन में कैसे हो गया भाई, लास्ट वाले में -10 था ना, ठीक है, -20 डिग्री सेल्सियस। अब इसमें इसको मिलाया तो हमें मिक्सचर में क्या मिला 0 डिग्री सेल्सियस, और ये कह रहा है कि इतना आइस बच गया, मींस आइस मेल्ट, m ग्राम आइस था मेल्ट हुआ, मेल्ट होने के बाद 20 ग्राम बच गया, मींस कितना आइस मेल्ट हुआ, m -20 मेल्ट हो गया आइस, ठीक है। अब देखो हीट कौन बेटा, हीट कौन देगा, जो वार्म है जो गर्म है जिसका टेम्परेचर हाई है, किसका टेम्परेचर हाई है 50 ग्राम का, तो 50 इनटू में स्पेसिफिक हीट 140 क्या आ गया 2000 कैलोरी, इतना हमारे पास हीट है, और ये किस में कन्वर्ट हो गया 50 ग्राम वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस मींस 2000 कैलोरी, ये इतना हीट इसने रिलीज कर दिया। अब इसने हीट रिलीज कर दिया, इस हीट का होगा क्या, पहले ये आइस आएगा, m ग्राम है -20 से 0 डिग्री सेल्सियस पर, तो हीट यूज करेगा, कितना हीट यूज करेगा, स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला m स्पेसिफिक हीट 0.5 इंटू में टेम्परेचर -20 से 0 कितना चेंज 20 मींस 10m, तो 10m हीट यहां यूज हो गया 10m। अब उसके बाद अब ये आइस कहां जाएगा बेटा, पानी में पिघलेगा, मेल्ट होगा, m ग्राम आइस, लेकिन हुआ कितना है m -20 मींस इसमें से m -20 ग्राम आइस ही मेल्ट होके वाटर बन पाया 0 डिग्री सेल्सियस, तो यहां कितना हीट यूज होगा प्लस m -20 मास। स्टेट चेंज है, स्टेट चेंज है तो किसका फॉर्मूला आएगा लेटेंट हीट का, और लेटेंट हीट का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, कितना होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन 80 केल्विन, तो यहां से आप m की वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है। अच्छा इस क्वेश्चन में हमने थोड़ा सा लिखा नहीं, ये गिवन था कि s ऑफ वाटर स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितना है 4.2, s ऑफ आइस कितना है 2.1, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितना है 33.4। तो ये अगर हम यूज करें तो देखो
स्पेसिफिक हीट यहां हमने क्या लिया 1, तो यहां क्या आएगा 4.2, तो ये टर्म ये वाली आएगी यहां पर। उसके बाद आइस की स्टेट चेंज हुई है तो हमने लेटेंट हीट कितना, वो स्पेसिफिक हीट के लिए 0.5, क्वेश्चन में हमें गिवन था 2.1 तो 2.1 लेके करेंगे। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो हमने 80 लिया यहां पर क्या आएगा 300, फिर आपको सोल्व करके एम की वैल्यू निकाल देंगे। अगर ये गिवन है तो हमें इनकी हेल्प लेनी है, अगर नहीं गिवन तो जो हमें ऑलरेडी मालूम है उनकी हेल्प लेके हम सोल्व करते हैं। ठीक है बेटा, एक और क्वेश्चन करते हैं जो लास्ट ईयर पूछा गया। चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। लास्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि 100 ग्राम लिक्विड है, 100 ग्राम है लिक्विड, उसका नाम है ए, 100 डिग्री सेल्सियस पर प्लस 50 ग्राम है दूसरा लिक्विड, लिक्विड बी 75 डिग्री सेल्सियस पर। उन दोनों को मिक्स किया, मिक्स करने के बाद जो हमें मिला मिक्सचर मिला, उस मिक्सचर का टेम्परेचर मिला 90 डिग्री सेल्सियस। अब ये कह रहा है कि 100 ग्राम जो हमारे पास लिक्विड था ए, अगर मैं इसमें ये मिक्स नहीं कर रहा, ये इसमें क्या मिक्स कर रहा हूं, 50 ग्राम लिक्विड बी 50 डिग्री सेल्सियस पर, तो मुझे मिक्सचर मिलेगा उसका टेम्परेचर क्या मिलेगा, ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बेटा वो एक और तरीके से भी पूछ सकता था, उसमें ये पूछ लेता, चलो बाद में बात करेंगे। ठीक है, अब देखो हमें पहले इन दो को मिलाया तो हमें मिक्सर का टेम्परेचर 90 डिग्री सेल्सियस मिला। अब ये कह रहा है कि इसके अंदर ये मिलाएं तो कितना टेम्परेचर मिलेगा, तो सबसे पहले हमें अपने बेसिक्स को फॉलो करना है। बेसिक्स को फॉलो करें तो इसमें बेटा कौन है, 100 ग्राम लिक्विड ए। ठीक है, तो 100 ग्राम लिक्विड ए है तो इसको हम मिक्स करेंगे। ठीक है, तो मिक्स करेंगे तो क्या आएगा, 100 मास। इसकी स्पेसिफिक हीट कितनी है हम मान लेते हैं, हमें देखो आइस या वाटर, ठीक है एक सेकंड मैं चेक कर लेता हूं, गिवन तो नहीं है, नहीं गिवन नहीं है। अगर हमें आइस और वाटर गिवन होता फिर तो हमें पता होता, अब नहीं पता तो लिक्विड ए की मान लेते हैं एस ए, लिक्विड और इसका जो टेम्परेचर क्या है 100, 100 से बेटा कहां है 90 पर, 100 से कहां है 90 पर, तो इसने कितना हीट, इसका टेम्परेचर डिक्रीज हुआ है मतलब इसने हीट रिलीज किया है कितना, 100 माइनस 90। ये किसके इक्वल है, हीट गेन, और हीट गेन किसने किया बेटा, इसने हीट गेन किया, तो इसका टेम्परेचर राइज हुआ है 75 से 90 पर बनेगा जब ये मिक्स हो जाएगा, तो इसने हीट क्या किया, गेन किया, गेन करेगा तो क्या आएगा 50 ग्राम, स्पेसिफिक हीट एस बी है तो बी मान लेते हैं, इतना टेम्परेचर 75 से 90 कितने का चेंज बेटा 90 माइनस 75, तो यहां से सोल्व करें 50 से 2 एस बी 90 माइनस 75 50 इज इक्वल टू 2 SA 10 3 2, तो एस ए बाई में एस बी करें 3 बाई में 4। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता था कि अगर एस इसमें ये स्टेटमेंट गिवन ना होती तो ये कह देता कि इन दोनों की स्पेसिफिक हीट का रेशियो क्या है, तो आप यहां से निकाल सकते थे। अब हमें ये तो पूछा ही नहीं, हमें तो ये पूछा है नेक्स्ट इन दोनों को मिक्स करें, इन दोनों को मिक्स करेंगे तो अब देखो क्या आएगा, 100 ग्राम आइस हमारे पास की, ओ लिक्विड ए का टेम्परेचर क्या है 100, लिक्विड ए का टेम्परेचर 100 है तो हम मान लेते हैं लिक्विड ये एक हीट देगा एक हीट लेगा, ये कितना हीट देगा हमने मान लिया, बाद में इसका टेम्परेचर टी हो गया, तो हम क्या कह देंगे 100 माइनस टी इंटू में एम हो गया डेल्टा टी हो गया, क्या रह गया एस, और एस ए हम यहां पे लिख देते हैं एस ए इक्वल टू हीट लेगा कौन, ये हीट लेगा, ये हीट लेगा तो ये कहां जाएगा, देखो मास कितना है 50 ग्राम, स्पेसिफिक हीट एस बी,
इसका टेम्परेचर देखो 100 में से 50 जो आंसर आएगा वो इन दोनों के बीच का आएगा, इसका टेम्परेचर थोड़ा राइज होगा, तो हम क्या कह दें टी माइनस 50, क्योंकि हम यहां से टी की वैल्यू नहीं निकाल सकते, निकाल दो। एस ए एस बी को इस साइड ले आते हैं, और एस ए एस बी क्या है हमारे पास 3/4, 50 से 2 ऊपर ले आओ, सोल्व कर लेना बेटा, टेम्परेचर की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, यही हमारे पास कुछ एक क्वेश्चन थे, एस ए एस बी, हाँ ठीक है हो जाएगा, यही क्वेश्चन थे। ठीक है, ये हमने कुछ मिस्टेक तो नहीं की है, एस ए एस बी की वैल्यू 100 ग्राम से टेम्परेचर 100 माइनस टी, एस ए 100 माइनस टी इक्वल टू 50 टी माइनस 50 एस बी, एस बी इस साइड आएगा, 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, ठीक है बेटा, ये आपको करना है। तो इस तो यही नहीं, इस टाइप के न्यूमेरिकल आपको जहां भी जिस भी बुक में मिले, डीपीपी में मिले, कहीं से भी मिले बेटा, आपको न्यूमेरिकल सोल्व करने हैं, वही आपका रास्ता क्लियर कर सकते हैं, वही आपको यहां से वहां तक पहुंचा सकते हैं। ओके, तो ये थे हमारे पास जेई एडवांस के जो इस जो हमने लास्ट दो वीडियोस देखे, वीडियोस डिस्कस किए, वीडियोस अपलोड किए, उन दोनों के ऊपर इस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए। आई होप कि आप ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच बेटा, हैव ए नाइस डे, कीप स्माइलिंग, कीप शेयरिंग।